अहम खबर आ रही है कि उमर अयूब कौमी असम्बली में आजाद अरकान के अपोजिशन लीडर होंगे। स्पीकर ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया है। तो अहम तरीन खबर कि उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। स्पीकर ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ के तकरर का मरहला मुकम्मल हो गया है। अपोजिशन लीडर के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की स्पीकर से मुलाकात हुई है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने उमर अयूब की दरख्वास्त की तस्दीक कर दी है। स्पीकर ने तसल्ली के बाद उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया है। नुमाइंदा खसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, ये मामला भी हल हो गया? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ का जो मरहला था वो तकरर का वो मुकम्मल हो गया। अपोजिशन लीडर के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब और जो पार्टी के दीगर लोग थे उन्होंने स्पीकर चैंबर में मुलाकात की थी यार सादिक से, और उसके बाद उमर अयूब से दरख्वास्त की तस्दीक की गई और स्पीकर ने तसल्ली के बाद उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। बाजा तौर पर उमर अयूब जो कौमी असम्बली में आजाद अरकान के अपोजिशन लीडर होंगे और अब से कुछ देर बाद बाजा तौर पर उनकी जो तकर्री है बतौर कायदे हिज्ब इख्तलाफ उसका नोटिफिकेशन जो है स्पीकर ऑफिस से वो भी जारी कर दिया गया। तमाम जो अहम मरला था वो तय हो गया और स्पीकर की जानिब से दरख्वास्त की तसल्ली करने के बाद उमर अयूब को अपोजिशन लीडर जो है वो तस्लीम कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान।